फिर से शिवांगी और आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जाती है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पिंक लिप्स का राज। तो अपने पिंक को आप कैसे अपने लिप्स को आप कैसे पिंक बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा सीक्रेट जो सच में 101% वो काम करता है, क्योंकि वो यूज़ करती हूँ मैं। और मैंने इसीलिए आपको बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुकी हूँ कई बार। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको वो जो रेमेडी है वो आपको कैसे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या करेंगे ये जानने के लिए हम देखेंगे आगे वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लिप स्क्रब को बनाने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा चावल का आटा। इस बोल में मैंने थोड़ा सा चावल का आटा लिया हुआ है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने वाला है, वो है हमारा हनी। ठीक है, तो अब इन दोनों इंग्रेडिएंट को मैं आराम से अच्छे से मिलाऊंगी। यहाँ पे स्क्रब बनके तैयार आटा है ना, थोड़ा दरदरा है, ये क्या करेगा, स्क्रब का काम करेगा। दूसरा है क्या है इसमें हमारा इंग्रेडिएंट जो है हनी। ठीक है, हनी क्या करेगा कि आपके जो लिप्स है ना उसको सॉफ्ट बना देगा। एकदम सॉफ्ट नहीं है, एक्चुअली में सुपर सॉफ्ट बनाने वाला है। ठीक है, तो मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कैसे हम इसको स्क्रब कर। मेरे पास एक स्क्रब का ना और एक तरीका है। अगर आप येला स्क्रब यूज़ नहीं करना चाहते और आप डेली स्क्रब करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये वाला जो मेथड है ना ये टाइम टेकन है, मतलब जो मैंने अभी किया था उस फ्लोर वाला, तो अब आप एक काम और कर सकते हो। जब भी आप कभी सुबह सुबह वॉश ब्रश करते हो ना, तो आप ब्रश की हेल्प से अपने लिप्स को हल्के हल्के हाथों में सर्कुलर मोशन में उसमें जो जितनी भी डेड स्किन है ना उसको आप हटा सकते हैं बहुत ईजिली। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको अपना एक टूथ ब्रश लेना है जो भी आप यूज़ करते हो, ब्रश के टाइम पे ही कर लोगे। उसके बाद जो लिपस्टिक अप्लाई करते हो ना, जब वो डेड स्किन हट जाती है तो बिल्कुल भी जो लिप्स होते हैं ना एकदम स्मूथ लगेंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि आपके लिप्स बहुत ज़्यादा चैप चैप टाइप के होंगे। ठीक है, तो आपको वो ब्रश कैसे करना है, मतलब लिप्स पे देख सकते हैं कि लिप्स एकदम पिंक पिंक लग रहे हैं। ठीक है, तो इसके से जो डेड स्किन है वो भी हट चुकी है। दूसरा क्या हुआ है कि इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके लिप्स पिंक होना शुरू हो जाएंगे और पिगमेंटेशन आपने स्क्रब कर करके आप हटाए देंगे। ठीक है, तो इसको आप अपने रेगुलर स्किन केयर में शामिल कर लीजिए। अब जो हमारी सेकंड वाली जो स्टेप है ना वो है हमारा लिप मास्क। लिप मास्क बनाने के लिए जो मुझे ज़रूरत है वो है थोड़ी सी हल्दी, जो मैंने इस बोल में ले लिया है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें हल्दी की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत थोड़ी सी हल्दी की। दूसरा जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ एक चम्मच दूध। अगर आप कच्चा दूध लोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर कच्चा दूध नहीं है तो नॉर्मल आप बॉइल्ड मिल्क भी ले ही सकते हो, सच कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन कच्चा दूध क्या होता है कि वो पिगमेंटेशन हटाने में ना ज़्यादा हेल्प करता है। इस मास्क को आराम से मिला लेना है। अब जो लिप्स पे लगाने वाला हमारा मास्क है ना वो रेडी है। मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि कैसे आपको इसको होठों पे अप्लाई करना है। Oh.
पीले हो गए, मुझ तो लाल करने थे। उसको ना आराम से आपको थिक पेस्ट लगा लेना है, जो मिल्क है ना उसमें होता है लैक्टिक एसिड, जो आपके होंठों पे लगे हुए पिगमेंटेशन को हटाने में बहुत काफ़ी हद तक हेल्प करता है। जो टर्मरिक मैंने इसमें मिलाई है, टर्मरिक क्या करती है, आपके जो पिगमेंटेशन है वो भी उसको भी हटाने में हेल्प करती है, और उसके बाद में स्किन को क्या करती है, ग्लो देती है। तो ये मास्क होने वाला है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। मुझे इसको 20 मिनट तक ला के रखना है, 20 मिनट बाद मैं आपको बताती हूँ इसको धुलना है कैसे। नॉट बैड। जब आप लगा लोगे ना, जब भी सब कर लोगे ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि एक्चुअल में आपको कितना अच्छा फील हो रहा है। मैं यहाँ पे लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, ये है वादी हर्बल का मिंट वाला फ्लेवर का लिप बाम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने वादी हर्बल का लिप बाम यूज़ करा है, ये थोड़ा सा सूदिंग है क्योंकि मिंट फ्लेवर है, ठीक है। तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, 44 या 45 की रेंज का लिप बाम है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन आप सो गाइज, ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर ये वीडियो आपको इतनी सी भी पसंद आई है। तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें इफ़ यू आर न्यू हियर। सो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कोई वीडियो कैसी लगी, आपने यूज़ किया तो इसके रिजल्ट्स आपके लिए कैसे हुए। इसके रिजल्ट्स 101% होते हैं। जो हल्दी वाला मास्क है ना उसको आपको डेली लगाना है 10-15 मिनट तक, एक हफ्ते में, सिर्फ 7 दिन में आप इसका फ़र्क आपको आराम से महसूस होगा। जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी, जितनी भी पिगमेंटेशन है वो निकल जाएगी, क्योंकि जो हमारे लिप्स होते हैं ना उनको भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। क्यों होती है उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत, क्योंकि हमारी फेस वाली स्किन से बहुत ज़्यादा थिन होती है हमारे लिप्स की स्किन, इसीलिए वो बहुत जल्दी काले भी पड़ जाते हैं। काले कैसे पड़ जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा लिपस्टिक यूज़ करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोजर में जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमने ये जो भी मैंने स्टेप करे थे वो आपको करने ज़रूरी है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।